हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 9, रिसेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। मंडल कमीशन के बारे में ध्यान रखना, मंडल कमीशन जो है ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनको रिजर्वेशन देने से संबंधित है। और इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की जरूरत है। कहां पर? गवर्नमेंट जॉब्स में प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, सारी चीजें हम जानेंगे, ए टू जेड चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। मंडल कमीशन को जानने से पहले अगर हम थोड़ी साउथ की हिस्ट्री देखें, साउथ में देखें तो ओबीसी जो है, या हम कह सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास जो है, अदर बैकवर्ड क्लास को 1960s में ही साउथ वाले जो स्टेट है वहां पर, मतलब आपको देखने को मिलेगा, रिजर्वेशन दे दिया गया था, है ना। और नॉर्थ वाले जो स्टेट थे वहां पर ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1977 में ओबीसी की जो डिमांड है ये रेज की जाती है जनता पार्टी के द्वारा। आप सबको पता है 1977 का जो चुनाव हुआ था, इस समय पर इंदिरा गांधी को बुरी तरह से डिफीट कर दिया जाता है। किसके द्वारा बुरी तरह से डिफीट किया जाता है? इसको डिफीट किया जाता है आपकी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। जनता पार्टी एक कॉलिजन थी, जनता पार्टी कोई एक सरकार नहीं है, जनता पार्टी क्या थी? एक कॉलिजन थी। इसी कॉलिजन ने क्या कर दिया? इसी कॉलिजन ने डिफीट किया। किसको डिफीट किया? इंदिरा गांधी को डिफीट किया। और जनता पार्टी के हेड थे मोरारजी देसाई, और वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जब मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उस समय पर ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड उठाई गई थी। और इन्हीं की सरकार ने क्या किया था, बाद में मंडल कमीशन अपॉइंट किया था। मगर इससे पहले आपको देखने को मिलेगा बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये ओबीसी के रिजर्वेशन से लेकर, या ये ओबीसी को रिजर्वेशन देने से संबंधित एक न्यू पॉलिसी लेकर आए थे। बाद में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिकमेंड किया कि भाई हम क्या करेंगे, एक कमीशन अपॉइंट करेंगे, और उस कमीशन का नाम होगा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो 1978 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन, और वो कमीशन को क्या करना था, सिफारिश देनी थी कि कैसे हम बैकवर्ड क्लासेस की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कमीशन को बोला गया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब चूंकि इसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बोला जा रहा है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई कमीशन बना होगा, डेफिनेटली। तो 1953 में आपको देखने को मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1953 में, जनवरी 1953 में एक कमीशन बनाया गया था काका कालेलकर के अंडर में, या काका कालेलकर की चेयरमैनशिप में। इसको बोला गया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो ध्यान रखना, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन किसके अंडर बने था? काका कालेलकर। कब बना था? 1953 में। ठीक है, और किस टाइम पर? जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। दूसरा कमीशन कब बनता है? जब आपकी जनता पार्टी की सरकार आती है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बोला जाता है, या इसको हम नॉर्मली मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और मंडल कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल। भिंडेश्वरी प्रसाद को शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपी मंडल। तो 1978 में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया था। ठीक है, 1980s में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और मगर 1980s के आते आपको देखने को मिलेगा जो जनता पार्टी की सरकार थी वो गिर जाती है, कॉलिजन की सरकार थी, सपोर्ट खिंच जाता है तो सरकार टूट जाती है। और इस कमीशन की जो मेन रिकमेंडेशन थी ये आपको याद रखनी है, मंडल कमीशन ने जो मेन रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने कहा था 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसके लिए? ओबीसी के लिए। ये थी मेन रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की। ठीक है, अब क्या है, बीच में आपको पता है फिर इंदिरा गांधी आ जाती है 1980 में, और फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। फिर आ जाते हैं आपके राजीव गांधी। राजीव गांधी भी आपको पता है उनकी सरकार 1989 में टूट जाती है, और 1989 में नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है। और 1989 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस समय कांग्रेस का सिस्टम खत्म हो जाता है, और फिर नॉन कांग्रेस एक प्रकार से गवर्नमेंट आएगी। बीपी सिंह की सरकार बनी थी और जिसका नाम था नेशनल फ्रंट की सरकार। तो नेशनल फ्रंट की सरकार बनते ही बीपी सिंह ने डिसाइड किया 1990 में कि हम जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 27% रिजर्वेशन देंगे हम किसके लिए, ओबीसी के लिए, सरकारी जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का डिसाइड कर लिया किसने? बीपी सिंह ने डिसाइड कर लिया। जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया तो पूरे देश में वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं और लोग जो है बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ओबीसी की जो डिमांड, जो मतलब ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन देने की जो मांग है ये, या ये सिफारिश है, ये लागू किया गया तो अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई ये तो गलत बात है, रिजर्वेशन ऐसे हमें नहीं देना चाहिए। तो कुछ तो मतलब वो इस मंडल कमीशन के सपोर्ट में थे और कुछ विरोध में थे। तो इसको लेकर आपको देखने को मिलेगा भारत में जगह जगह पर प्रोटेस्ट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था। और ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है, और इस केस को बोला जाता है इंदिरा साहनी केस। एक लेडीज थी इंदिरा साहनी, उन्होंने इसको लीड किया था, तो मतलब या वो लेके जाती है, तो इसलिए इसका केस का नाम क्या आ जाता है? इंदिरा साहनी केस।
मगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि भाई नहीं, इट्स ओके, सही दिया गया एड्रेस। ठीक है, तो ये है हमारे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में जो दे रखा है। थोड़ा सा और एडिशनल देख लेते हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लास को या बैकवर्ड क्लास के लिए पहला जो कमीशन बना था, अभी मैंने बताया था 1953 में बना था, जनवरी 1953 नेहरू जी की सरकार ने बनाया था, और इसके चेयरमैन थे, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था इसके चेयरमैन थे एक सोशल रिफॉर्मर काका कालेलकर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में, और इस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया कि भारत में 2399 बैकवर्ड कास्ट या कम्युनिटीज हैं, जिनमें से 837 तो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, मगर फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो बना था इसकी रिपोर्ट को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन ये किसने बनवाया था, बीपी, आपको पता है मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, इन्होंने इसको बना एस्टेब्लिश किया था। तो एक जनवरी 1979 मोरारजी देसाई की सरकार ने डिसाइड किया कि भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल है ना, ये जो हैं सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के क्या होंगे, हेड होंगे, और ये पहले एक चीफ मिनिस्टर रह चुके थे भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल, कहां के, बिहार के। तो इन्होंने हेड किया था या मतलब चेयरमैन थे सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 में इन्होंने सबमिट करी थी, है ना। और आपको देखने को मिलेगा मोरारजी देसाई की सरकार जो है 1980 आते आते जब तक गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी जी पावर में आती है, मगर ये इशू फिर जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है लगभग एक डिकेड के लिए, क्योंकि 1980 से 1990 के बीच में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था। मगर जैसे ही फिर नेशनल फ्रंट की सरकार आती है ना 1989 में, फिर से ये इशू आ जाता है और बीपी सिंह की सरकार जो है इसको लागू कर देती है। तो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त कब आता है, जब 1990 में प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह ने अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में कि भैया अब हम जो मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा देश में वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं नॉर्थ वाले हिस्से में और वेस्टर्न वाले हिस्से में, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसको लीड करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे मारे भी जाते हैं। ये है सारी कहानी। फिर आपको पता है इसके बाद ये जो मामला है कहाँ पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये जो इशू था। मगर सुप्रीम कोर्ट में इसको हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि सरकार का पक्ष लिया था, और ये जो केस है इस केस को किस नाम से जानते हैं, इंदिरा सानी जजमेंट या इंदिरा सानी केस या मंडल केस के नाम से जानते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस 27% जो रिजर्वेशन दिया गया है ये सही है, और हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक कास्ट के नाम पर ही मतलब रिजर्वेशन देंगे, अगर बहुत सारी कम्युनिटीज अगर बहुत ज्यादा वीक है तो उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट मतलब बैकवर्ड हो तभी हम देंगे, कई सारी कास्ट अगर बैकवर्ड है तो उनको भी हम दे सकते हैं। तो ये है पूरी कहानी मंडल कमीशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।